नमस्कार, मैं महिमा किराड़ू आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 व्याकरण में लोकोक्तियां। हम लोकोक्तियों के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि लोकोक्तियां क्या होती हैं और लोकोक्तियों का प्रयोग कब किया जाता है। लोकोक्तियां यानी प्रोवर्ब्स, लोक यानी लोगों द्वारा कही गई उक्तियां लोकोक्तियां कहलाती हैं। ये स्वयं में पूरा वाक्य होती है। लोकोक्तियां मुहावरे की भांति अपने मूल अर्थ को नहीं छोड़ती। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर भी इनका अर्थ ज्यों का त्यों बना रहता है। इनका स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाली लोगों द्वारा कही गई उक्तियां लोकोक्ति कहलाती है। आइए लोकोक्तियों के बारे में समझें। यह सब मेरा है, नहीं दूंगा चाहे जो करो। यह तो वही बात हो गई, उल्टा चोर को द्वार बनाते। बच्चों, पहले वाक्य में लड़का चोरी कर रहा है परंतु उल्टा रखवाले को डांट रहा है, जिसे देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि गलती करने वाला अपनी गलती न मानकर दूसरे को दोषी ठहरा रहा है। अतः यहाँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे लोकोक्ति सही साबित हुई है। आइए कुछ प्रचलित लोकोक्तियों को उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग के साथ जानें। एक, अक्ल बड़ी या भैंस, शरीर की अपेक्षा बुद्धि बड़ी होती है। उसके लंबे चौड़े शरीर को देखकर मत घबराओ, उसे कुछ नहीं आता। यह एक वाद विवाद प्रतियोगिता है, यहाँ तो तुम्हारी ही विजय होगी, क्योंकि उस पर अक्ल बड़ी या भैंस वाली कहावत ही चरितार्थ होती है। दो, अंधों में काना राजा, गुणहीन लोगों में थोड़े गुणों वाला व्यक्ति बहुत गुणवान माना जाता है। आज भी अ के 42 बच्चों में से सतीश ही ऐसा है जो कंप्यूटर सीखकर अंधों में काना राजा बन बैठा है। तीन, आ बैठ मुझे मां, मुसीबत को स्वयं बुलाना, राह चलते जानवरों को छेड़ना आ बैठ मुझे मार वाली स्थिति जैसी है। चार, एक अनाम 100 बीमार, एक ही वस्तु के अनेक चाहने वाले। हिंदी अध्यापिका के लिए विद्यालय में पद 1 है और उसके लिए आवेदक 10। यह तो वही बात हुई, एक अना 100 बीमार। 5, एक पंथ 2 काज, एक काम से दोहरा लाभ। प्रभात को अंध विद्यालय खोलकर प्रसिद्धि भी मिल गई और समाज सेवा के लिए पुरस्कार भी प्राप्त हो गया। इसे कहते हैं एक पंथ 2 काज। कुछ अन्य लोकोक्तियां और उनके अर्थ। लोकोक्तियां, अर्थ। एक, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। दो, अपनी अपनी डफनी अपना अपना राग, अलग अलग विचार होना। तीन, आम के आम गुठलियों के दाम, दुगना लाभ। चार, एक और एक मिलकर 11 होते हैं, एकता में ताकत होती है। पांच, चोर चोर मौसेरे भाई, एक जैसे स्वभाव वाले लोगों की मित्रता। आओ दोहराएं, लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है लेकिन अपना मूल अर्थ नहीं छोड़ती। चलो बच्चों, आपको लोकोक्तियां उदाहरण से और उनके वाक्य में प्रयोग सहित आपने आज उसको समझा। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।